पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी बताया और मचा बवाल। जलाया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला। घमंडी त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम में जलाया। वो कांग्रेस के लोग हैं, विरोधी खेमे के लोग हैं। हमको एक कमी गिना दें वो लोग, और हमने उस पर बहुत चर्चा की, लोगों के साथ बैठकें की हैं, विधानसभा में उस पर चर्चा हुई है। और इस तरह का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध केवल विरोध के लिए विरोध है, राजनीतिक विरोध है। वो ये तो बताएं कि उनके हकों पर कहां प्रभाव पड़ रहा है। अगर जितने हमारे वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, किसको उसका लाभ होगा, ये सब समझना चाहिए। वो सब समझते हैं, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने सोने का स्वांग किया है, नाटक किया है, उसको नहीं जगा सकता, कोई नहीं जगा। जय गंगा मैया। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कल बयान जारी किया है कि जो जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो सब कांग्रेस वाले हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, वो शायद पगला चुके हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं भी मंडल में पदाधिकारी रह चुका हूं, मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूं मंडल में, अभी भी मैं पदाधिकारी हूं, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन एक भी तीर्थ पुरोहित को बता दे कि कौन कांग्रेस वाला है, जितने हैं सब भाजपा वाले हैं। और ये जो है हमी सरकार को जो है बदनाम करना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं। मैं त्रिवेंद्र रावत जी को अभी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने वक्तव्य को वापस लें और इस बोर्ड को तुरंत खत्म करने के लिए वो मुख्यमंत्री जी को बोलें और इस बोर्ड को तुरंत खत्म करें।